एवरीवन, आई एम माधुरी एंड वेलकम बैक। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो गाइज, फॉर टुडेज वीडियो मैं आपके साथ अजियो हॉल शेयर करने वाली हूँ। सो ये अजियो हॉल कुर्ता सेट्स पर होने वाला है एंड मैं इस टाइम पर काफ़ी अच्छे कुर्ता सेट्स आपके लिए लेकर के आई हूँ और आई एम डैम श्योर आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएंगे। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हो और आपको ज़रा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना, अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करना। सो एंड गाइज, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। और आपको अगर अजियो हॉल्स पसंद है तो मैंने ऑलरेडी बहुत सारे अजियो हॉल्स शेयर करे हुए हैं। अजियो हॉल का प्लेलिस्ट मैंने अलग से शेयर कर दिया है, सो आप जा करके चेकआउट कर सकते हो। काफी सारे बैक टू बैक हॉल्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। एंड गाइस, आपको कौन से हॉल्स देखना पसंद है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं उस पर भी वीडियो लाने का ट्राई करूंगी। सो गाइस, नाउ लेट्स डिस्कस इन टू द वीडियो। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस वाले कुर्ता सेट से। सो आपको प्राइजेस, ट्राई ऑन और पिक्चर सारा कुछ स्क्रीन पर मेंशन हो जाएगा, सो आप चेक कर लेना। तो ये कुछ इस तरीके से हमको कुर्ता देखने के लिए मिलता है। सो ये बंदेज लुक में आता है एंड ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा कुर्ता है, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था पिक्चर में, दैट्स वाई मैंने इसको पिक करा। थोड़ा सा डिफरेंट था, मतलब इसमें जो स्लीव्स का डिज़ाइन था ना, वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट लग रहा था मुझे। सो दैट्स वाई मैं काफ़ी टाइम से इसको लेना चाह रही थी, सो फाइनली मैंने ले लिया। तो ये वाला कुछ इस तरीके से दिख रहा है एंड ये बंदेज लुक में आता है एंड ये ए लाइन कुर्ता हमको रिसीव होता है। दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। ट्राई ऑन में आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। रानी एंड मेजेंटा पिंक कलर है इसका। सो ये गोटा पत्ती का वर्क हमको इधर देखने के लिए मिलता है। सो बीच में पूरा इस तरीके से बंदेज लुक है एंड साइड में ये लहरिया काइंड ऑफ प्रिंट्स इन्होंने बनाए हुए हैं एंड इसमें हमको स्लीव्स देखने के लिए मिलती हैं। थ्री फोर स्लीव्स हमको इसमें देखने के लिए मिलती हैं। हाँ, सो ये बेल स्लीव्स हमको इसमें देखने के लिए मिलती है इस तरीके से। सो ये लहरिया है एंड ये बंदेज है। सो इसको इन्होंने बनाया बहुत ज़्यादा अच्छा है, मतलब सो इसमें बंदेज एंड लहरिया दोनों का ही कॉम्बिनेशन इन्होंने रखा है और ये गोटा लगाया हुआ है। सो काफ़ी अच्छे डिज़ाइंस है। इस तरीके से हमको इतना चोली पैटर्न मिलता है। सो इस तरीके से हमको इधर पर इतना चोली पैटर्न मिलता है एंड देन ए लाइन में देखने के लिए मिल जाता है। सो यहाँ पर हमको ये गोटा पत्ती का वर्क देखने के लिए मिलता है। दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। जरी का वर्क भी है एंड साथ साथ में गोटा पत्ती का वर्क भी है। सो काफ़ी अच्छा लगता है। और यहाँ पर हमको एक बटन भी देखने के लिए मिलता है, की होल। सो ये बटन ये ओपन भी हो जाता है एंड ये हमको इस तरीके से फ्रिल वाला नेक लाइन देखने के लिए मिल जाता है। इस तरीके से ये दिखता है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एंड इसमें जो मैंने साइज़ लिया है वो एक्सल साइज़ है एंड मैं मोस्टली एक्सल साइज़ ही प्रेफर करती हूँ, क्योंकि अगर थोड़ा बहुत लूज़ हो तो हम उसको फिटिंग कर सकते हैं, बट अगर हमने टाइट ले लिया तो उसका कुछ भी नहीं हो पाएगा। दैट्स वाई मैं बड़ा ही साइज़ प्रेफर करती हूँ थोड़ा सा, जिससे अगर मुझे किसी को देना हो तो वो मैं दे भी सकूँ, ताकि किसी को भी वेयर करने में परेशानी ना हो। इसके साथ हमको बॉटम रिसीव होता है इस तरीके से। सो ये प्लाजो है, मतलब पैंट पजामा काइंड ऑफ लुक देता है। लहरिया प्रिंट्स इसमें देखने के लिए मिलती है। स्ट्रेट लुक में आता है, ना ही ये बेल बॉटम शेप में है और ना ही ये सिगरेट पैंट पैंट काइंड ऑफ है। सो इस तरीके से हमको सेमी इलास्टिकेटेड मिल जाता है और ये बेल्ट देखने के लिए मिलती है। प्रिंट काफ़ी अच्छा लगा मुझे और फैब्रिक भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, कॉटन फैब्रिक में है। सो मैं आपको हाईली रिकमेंड कर रही हूँ, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा ये वाला। एंड अगर एक्सल साइज़ में ले रहे हो तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा साइज़ है और इजीली किसी, मतलब एक्सल साइज़ से थोड़ा बड़ा ही लग रहा है मुझे, तो आप ले सकते हो, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। एंड मैं कुछ कुर्ता सेट्स को सेल भी करती हूँ, मैं मतलब अपना थ्रिफ्ट स्टोर ओपन कराया है मैंने। सो उसमें मैं काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो मैं शेयर करती हूँ और मेरे जो किसी, मतलब यूज़ में नहीं होते हैं, किसी काम के नहीं रहते हैं, उसको मैं थ्रिफ्ट स्टोर में सेल कर देती हूँ। सिर्फ इन केस आप मुझसे वहाँ से लेना चाहते हो तो ले सकते हो, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। सो मूविंग इनटू द नेक्स्ट प्रोडक्ट। सो द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज़ दिस कुर्ती, जो कि है अक्स ब्रांड से। सो ये इस तरीके से हमको देखने के लिए मिल जाती है और ये खादी काइंड ऑफ फैब्रिक है, कॉटन, बहुत ज़्यादा अच्छा वाला कॉटन है। और इस तरीके से हमको प्रिंट देखने के लिए मिलता है ऑल ओवर पूरे कुर्ते पर यही है और साइड स्लिट के साथ देखने के लिए मिल जाता है। एंड इसमें हमको इस तरीके से चोली पैटर्न मिलता है, नीचे आते आते ये साइड स्लिट में आ जाता है एंड ये राउंड नेक देखने के लिए मिलता है। और ये जो है इसमें मैंने साइज़ एल लिया है और इसमें स्लीव्स इस तरीके की देखने के लिए मिलती है हमें, 2-3-4 स्लीव से देखने के लिए मिलती है। एंड लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना, मेरी जो लेंथ है वो 5'2" है और 5'2" के अकॉर्डिंग मुझे जितना लंबा हो रहा है उसी के अकॉर्डिंग आप देख लेना कि आपको कितना आएगा। सो ट्राई। एंड गाइज, इसके साथ हमको एक ये
पाउच भी देखने के लिए मिलता है। मैं इस तरीके से बेल्ट भी इन्होंने प्रोवाइड कराया है, सो इसको आप वेस्ट बैंड पर भी वेयर कर सकती हो। काफ़ी अच्छा पाउच है और इसमें जिप भी है, सो स्पेस भी काफ़ी ज़्यादा है। सो इस प्राइस में आपको पाउच भी मिल रहा है और क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। इस पाउच की क्वालिटी और भी ज़्यादा अच्छी है एंड इस पर पूरे में अक्स इन्होंने मेंशन करा हुआ है। तो इस तरीके से हमको इसका पाउच देखने के लिए मिलता है और ये जस्ट 400 समवेयर अराउंड का कुर्ता है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और वेयर करने पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। सो गाइस नेक्स्ट अप आई हैव दिस टाइप ऑफ कुर्ता सेट। सो ये कुछ इस तरीके से हमको देखने के लिए मिलता है, रानी पिंक कलर में है। सो इस वीडियो में शायद पिंक ज़्यादा हो गया बट ये वाला अच्छा लगा मुझे और काफ़ी अच्छा है। न्यूली मैरिड गर्ल्स के ऊपर ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगने वाला है और कलर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इस तरीके से हमको ये फॉयल प्रिंट्स देखने के लिए मिलते हैं इसमें और ये बटन डिटेलिंग है एंड यहाँ पर हमको इस तरीके से चेक जरी प्रिंट देखने के लिए मिलता है और ये की होल देखने के लिए मिल जाता है। राउंड नेक में इसमें मैंने एक्सल साइज लिया और ये बहुत ज़्यादा बड़ा आ गया है, मुझे ऐसा लग रहा है इसको देखकर, क्योंकि मैं जस्ट बाहर से ही देखा है, वेयर नहीं करा है। सो ट्रायल में आप देख लेना, मुझे तो लग रहा है बहुत ज़्यादा ढीला होने वाला है ये मुझे। और इस तरीके से हमको इसकी फुल स्लीव्स आई गेस 3/4 से थोड़ी सी बड़ी है सो देखने के लिए मिल जाती है। यहाँ पर हमको लेस देखने के लिए मिलता है, कलर बहुत ज़्यादा प्यारा है, फॉयल प्रिंट है एंड नीचे भी हमको इस कुर्ते में इस तरीके से लेस देखने के लिए मिलती है एंड ये पूरा फॉयल प्रिंट नीचे तक जा रहा है। साइड स्लिट के साथ आ जाता है ये वाला कुर्ता सेट कुर्ता। सो पीछे से प्लेन है ये एंड बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल भी है, सो ट्राई ज़रूर करना। और ये जो है ना शायद सिल्क काइंड ऑफ फैब्रिक है, सो देख लेना आप, अच्छा लगा मुझे ये। इसका प्रिंट कलर वाला बहुत ज़्यादा अच्छा, मतलब आप अगर न्यूली मैरिड गर्ल्स हो ना तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगने वाला ये वाला कुर्ता सेट। इसके साथ हमको जो बॉटम रिसीव होता है वो भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी में है, मतलब फैब्रिक बहुत ज़्यादा अच्छा प्रोवाइड कराया है इन्होंने, ऑल ओवर फैब्रिक बहुत ज़्यादा अच्छा है। इस तरीके से हमको सेमी इलास्टिक रेट देखने के लिए मिलता है एंड यहाँ पर बेल्ट है एंड ये पॉकेट फ्रेंडली भी है, सो ये भी अच्छी बात है कि अगर आपको कुछ सामान कैरी करना है तो आप दोनों तरफ आपको पॉकेट्स देखने के लिए मिलती है एंड ये एक्सरसाइज में बहुत बड़ा आया है। सो आप अगर अपने अकॉर्डिंग देख रहे हो तो इसका ट्रू साइज़ मुझे नहीं लग रहा है, सो आप ट्राई कर लेना अपने अकॉर्डिंग अपना साइज, एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा बड़ा आया है। सो इसका लेंथ जो है वो इस तरीके से है, सिगरेट काइंड ऑफ पैंट लुक पैंट टाइप में आता है एंड यहाँ पर हमको इस तरीके से बटन देखने के लिए मिलते हैं एंड काफ़ी अच्छा फैब्रिक है, अच्छा लगा मतलब ऑल ओवर ये वाला कुर्ता सेट। इसके साथ हमको दुपट्टा नहीं मिलता है, इन दोनों कुर्ता सेट्स में भी हमको दुपट्टा देखने के लिए नहीं मिला। सो गाइस दैट्स ऑल, इस वाले वीडियो में मैंने आपके साथ यही वाले कुर्ता सेट शेयर करे हैं। अगर आपको पसंद आए हों तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा एंड गाइस प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा। एंड गाइस वन मोर थिंग, मैं अपने चैनल पर एक गिव अवे अनाउंस कर रही हूँ और उस गिव अवे में मैं माइग्लैम के प्रोडक्ट्स को आपको गिव अवे में दूंगी और वो जो प्रोडक्ट्स होंगे वो आपकी चॉइस से होंगे। मैं आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस प्रोवाइड कराऊंगी कि आपको इनमें से कौन सा प्रोडक्ट लेना है। सो अगर आप गिव अवे में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं चाहती हूँ कि बहुत ज़्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट करें, दैट्स वाई मैं वेट कर रही हूँ गिव अवे अनाउंस करने का। जैसे जैसे ज़्यादा लोगों के कमेंट्स आएंगे कि हाँ हमको भी पार्टिसिपेट करना है तो मैं उतनी ही जल्दी गिव अवे अनाउंस कर दूंगी। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं अपने हर वीडियोज़ में अभी शेयर कर रही हूँ कि मैं गिव अवे अनाउंस करने वाली हूँ, तो प्लीज़ बी कनेक्टेड और गिव अवे में पार्टिसिपेट करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि मैं इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स आपको देने वाली हूँ और जितने ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करेंगे उतने ही विनर्स मैं इसमें निकालूंगी। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो सो बी कनेक्टेड, कॉमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी मत भूलना। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।